अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं वीडियो वाले बाबा जी ऑफिशियल चैनल्स। आज मैं आपको लाइफ में दो स्किल्स के बारे में बात करूंगा कि जो भी स्टूडेंट इन दो स्किल्स पे अमल कर ले तो मेरे ख्याल से जो भी वालदैन है, जितने भी बहन भाई हैं, सभी अपने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं अभी छोटे छोटे, अभी स्कूलों में दाखिला नहीं लिया उन्होंने, तो ये दो स्किल्स आप शुरू पे आप दो जो स्किल्स होंगे उन पे अमल करवा दें तो आपका बच्चा मेंटेन कर जाएगा। दूसरे नंबर पे बच्चा एंजॉय करे, जिस तरह मर्जी वारागर्दी करे, लेकिन नमाजें पढ़े, जैसा जो कुछ मर्जी करे, लेकिन उसके आगे स्टडी इतनी सी रह जाएगी। आपको वो दो स्किल्स बच्चों को सिखा दें तो मेरे ख्याल से स्टडी इतनी सी रह जाएगी। स्टडी इतनी सी का क्या मुराद है कि बहुत सारे टीचर, सभी टीचर्स को मैं एक बात बता दूं कि SQ3R किन किन टीचर्स को आता है। और जो स्टूडेंट ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कभी अपने टीचर्स हजरात से ये सवाल कीजिएगा कि SQ3R क्या है। आप YouTube पे सर्च करना, वहां पे गोरों की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी SQ3R के हवाले से किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे बात ये SQ3R होता क्या है, मैं आपको ये भी थोड़ा सा आगाह कर देता हूँ, मजीद मैं इन चीजों पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। SQ3R ये होता है कि साइंटिफिक तरीके के साथ बच्चे को सबक याद करवाना, सबक वो याद करवाना जो देर पा रहता है। देर पा से मुराद एक साल तक याद रहता है, छह माह तक याद रहता है, तो ये है SQ3R। हम इस टॉपिक को साइड पे कर देते हैं और आपको मैं इस वीडियो को टाइम वेस्ट करने के बिना हम जो टॉपिक पे चलते हैं। अब दो स्किल्स क्या होती हैं, एक बच्चे को रट्टा लगाना, स्टडी के वाले से रट्टा एक किस्म का नहीं होता। ये जो सभी लोग कहते हैं ना टीचर्स के रट्टा ये है, रट्टा लगा के वो आपको याद नहीं रहता, गलत बात है। रट्टा एक प्रैक्टिस होती है, बच्चे की प्रैक्टिस। टीचर्स को इतनी सेंस ही नहीं है कि हम बच्चे को किस तरह आगे ग्रोथ कर सके और किस तरह वो सबक याद कर सके। हमें सिर्फ ये पता है कि टीचर ने आज ये दे दिया, उसे याद करके अगले दिन टीचर ने समझाया ही नहीं हमें। तो मैं आपको दो स्किल्स ये बता देता हूं। पहले नंबर पे जो स्किल ये है कि रट्टा लगाओ, पर रट्टा एक तरीके से लगाओ। रट्टा ये नहीं कि सबक याद सुनाने से पहले आप थोड़ा सा रट्टा लगाते हो, सुना दिया वो गया आपके माइंड से। रट्टा लगाओ लेकिन इस तरीके से लगाओ कि प्रैक्टिस करो उसकी, एक दो तीन बार रट्टा लगाओ, आपको याद हो गया है, उसकी प्रैक्टिस करो, उसे लिखो, छोड़ दो उसे, 24 घंटे बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करो, लिखना शुरू कर दो, बिना देखने के उस सवाल को राइट करना शुरू कर दो। जहां पे बोलता है फिर देख लो, उस सवाल को राइट कर दो 24 घंटे के अंदर अंदर, तो इंशाल्लाह आपको वह एक साल तक आपके जो माइंड से वो सवाल कभी नहीं जाएगा। टीचर्स क्या करते हैं, आज सबक दे दिया, याद कर लिया, अगले दिन फिर नया दे दिया, वो भूल गया, फिर नया दे दिया, भूल गया। यार कोई भी बुक ले लो, उसके 200 सफात होंगे, 150 लगा लो 200 हो गए, सारा साल हमने उसे पढ़ना आता है, हमें फिर नहीं याद रहता। क्या इसकी वजह है कि किसी चीज को रट्टा लगाओ, पढ़ते जाओ, जो आपके दिमाग के जो मसल्स होते हैं वो खुल जाएंगे, जो बंद हुए हैं। अक्सर कहा तो जाता है गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाती है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि यार हम स्कूल फिर जाएंगे, फिर यही काम चलेगा, लेकिन बच्चे को ये स्किल सिखाएं। दूसरे नंबर पर ये है कि हम बच्चे को राइटिंग पे जोर नहीं देते। हम जो वालदैन हैं राइटिंग पे जोर ये नहीं, पे 8th क्लास का स्टूडेंट है उसे लिखना ही नहीं आता। ये तो हमारे जो टीचर्स का शुक्रगुजार होना है, टीचर्स का जिनके बच्चों को लिखना ही नहीं आता, वो पास किए जा रहे हैं बस। स्टार्ट से बच्चा अगर नर्सरी क्लास में है या टर्सरी क्लास में है या वन में है, अभी से स्टार्ट कर दो उसकी हैंड राइटिंग होता है 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स। जब हैंड राइटिंग देखता है, कोई भी टीचर है जब पेपर को चेक करता है, जब हैंडराइटिंग को देखता है तो वो देखता है कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, सच में इसने मेहनत की है और ये इसके सवाल बिल्कुल सही है, वो टिक मार्क करेगा और 100 में से 100 जो नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। राइटिंग, सबसे पहले राइटिंग को सीखो और अपने बच्चों को सिखाओ। आने वाले वक्त में यही होगा कि आपके वो काम भी करेगा, अपनी स्टडी को भी टाइम देगा और वो उसकी जिंदगी में आने वाला जो कल होगा वो सबसे बेहतरीन हो जाएगा।
हैंड राइटिंग आपके बच्चे की इस तरह होनी चाहिए कि वो प्रिंट लगे, जिस तरह वो कंप्यूटर वगैरह प्रिंट निकालते हैं ना, जिस तरह स्याही होती है उस तरह का प्रिंट हो। यहाँ पे गुजरात में एक स्कूल था, तो हम वहाँ पे चले गए विजिट। हर साल मैंने देखा वहाँ पे ना फर्स्ट पोजीशन आ रही है बच्चों की, ये नहीं पे 30 जो फेल हो गए हैं, 70 जो पास मार्क्स हैं, दो लोगों ने पोजीशन ली है, ये काम नहीं है। टोटली उन्होंने देखा कि वहाँ पे बच्चे जो फर्स्ट डिविजन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे उस स्कूल में डेस्क भी नहीं थे, नीचे बैठ के तोड़ों के ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसके रिजल्ट की वजह मैंने पूछी, भाई क्या वजह है इसकी जो इतना रिजल्ट आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि यार शुरू से नर्सरी से लेके हम शुरू हो जाते हैं बच्चे को हैंडराइटिंग पे जोर लगा देते हैं, 1-2 तक जब आता है इतनी अच्छी हैंडराइटिंग हो जाती है कि आपको लगेगा ये प्रिंट है, और दूसरे नंबर पे बच्चे को रट्टा लगाते हैं, इतना रट्टा लगाते हैं कि वो मेंटेन हो जाता है। रट्टा किस तरह वो लगाते हैं कि एक बुक है, आज सबक दिया है, कल वो भी सबक सुनना है, और आगे वाला जो दिया वो भी सुनना, उन्होंने हर रोज वो चैप्टर वाइज, एक चैप्टर हो गया तो उसके सवाल आपको 3-4 दिन बार बार उन्होंने लिखवाना है, तो क्या हो उनके बच्चों की फर्स्ट डिविजन आती है। जरूरी नहीं है कि महंगे वाले कॉलेजेस हों, महंगे वाले स्कूल हों तो फिर ही बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कुछ टीचर्स की जो मेहनत की वजह से, कुछ वालदैन की मेहनत की वजह से, और कुछ जब आप हैंड राइटिंग अच्छी होगी ना किसी बच्चे की, तो वो खुद बखुद जो है वो ग्रो करेगा, उसे अच्छा लगेगा यार मेरी इतनी लिखाई अच्छी है, और दूसरे स्टूडेंट्स मेरी तरफ देख के चैलेंज होते हैं, सड़ जाते हैं, और मेरे जो वालदैन इतनी तारीफ करते हैं, मेरे टीचर इतनी तारीफ करते हैं, क्यों ना मैं इस पर और जोर दूँ ताकि मेरे नंबरिंग आ सके। तो यार ये थी मेरे पास आज तक आज की थोड़ी सी टॉपिक पे वीडियो। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा स्टूडेंट्स को स्किल्स कराया जाएगा, स्किल को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और अपने स्टार्ट पे बच्चे को ले लें, हैंड राइटिंग सिखाएं और रट्टा लगाना शुरू कर दें, ताकि उसके माइंड में वो सवाल कभी जाए ना। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मैथमेटिक्स पे, कि आप मैथ का जो पेपर है वो किस तरह हल कर सकते हो। वो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो वीक हैं कुछ ज़्यादा, वो पास मार्क्स भी नहीं ले सकते हैं, मैं इंशाल्लाह एक ऐसा तरीका उन्हें बताने वाला हूँ कि जिसके थ्रू वो पास हो सकेंगे, 50% आपको मार्क्स लाजमी आ जाएंगे।